गुजरात में परसों फाइनल दौर की वोटिंग होनी है। 93 सीटों के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। सवा महीने पहले जब गुजरात में चुनाव की शुरुआत हुई थी तो विकास मुद्दा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती गई विकास का मुद्दा गायब हो गया और धर्म जाति से लेकर पाकिस्तान ने जगह ले ली। गुजरात में थम गया चुनावी शोर, आज आखिरी दौर का प्रचार खत्म। बंद हुआ मंदिर, नीच और पाकिस्तान का शोर, जिंदा हाफिज और मरे हुए अफजल की हुई चर्चा। अब परसों 93 सीटों पर होगी वोटिंग, 851 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2,22,00,000 वोटर तय करेंगे किस्मत। कभी ना भूलने वाला चुनाव प्रचार, कौन होगा सिकंदर और कौन होगा घर के अंदर। अब की बार किसकी बहेगी बयार, ये है अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन ये एक ऐसा चुनाव प्रचार रहा जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुजरात चुनाव में पहली बार सी प्लेन से प्रचार पर निकले मोदी की ये तस्वीर इस चुनाव प्रचार की यादगार तस्वीर बन गई है। गुजरात चुनाव प्रचार विकास के नाम पर शुरू हुआ था और अंत सी प्लेन के सफर के साथ हुआ। बीते सवा महीने में गुजरात के चुनावी समंदर में किस किस रंग का कितना पानी बहा, हम आज आपको वही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने विकास पागल हो गया है का नारा दिया। जवाब में बीजेपी मैं हूं विकास, मैं हूं गुजरात का नारा लेकर आए। गुजराती बोलेंगे हूं गुजरात छो, हूं विकास छो, हूं विकास छो, हूं विकास छो, हूं विकास छो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती गई विकास गुजरात के समंदर में डूब गया और उसकी जगह जाति और धर्म ने ले ली। पहले तो मोदी और राहुल दोनों नेता मंदिर मंदिर गए। मंदिर जाने को लेकर बीजेपी ने असली और नकली हिंदू पार्टी का दांव चला। 29 नवंबर को राहुल गांधी जब सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके निकले तो मंदिर के रजिस्टर में नाम लिखने को लेकर विवाद हो गया। आरोप लगे कि राहुल ने गैर हिंदू वाले रजिस्टर में दस्तखत किए। तब बीजेपी ने राहुल का धर्म पूछ दिया। जो भारतवर्ष के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताकर पेश करता है, क्या उस व्यक्ति के पास इतनी छूट है कि इस प्रकार का भ्रम उसके एजुकेशन को लेकर, उनके उनके वेकेशंस को लेकर और आज उनके धर्म को लेकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी आपको लिखना पड़ता है आपका धर्म, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न जन्म होता है और राहुल जी को इसका उत्तर स्वयं देना चाहिए। जवाब में कांग्रेस राहुल गांधी और उनके पिता की जनेऊ वाली तस्वीरें लेकर सामने आई। दावा किया कि राहुल न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि जनेऊधारी ब्राह्मण। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। राहुल गांधी गुजरात के 24 मंदिरों में पूजा करने गए हैं। इस दौरान खुद को और परिवार को शिव भक्त भी बताया। प्रचार के ही दौरान 5 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल के बहाने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे थे। 6 दिसंबर को मोदी ने पूछ दिया था कि 2019 में चुनाव कांग्रेस लड़ेगी या मस्जिद की पैरवी करने वाला वक्फ बोर्ड। कांग्रेस पार्टी में एक पात्र थे कपिल सिब्बल, काले जैने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ना मुद्दे केस चलतो तो त्या जीने भांगरो वाट्यो, केस एम के चलाओ नहीं केम तो 2019 में लोकसभा की चूंटनी पछी चलाओ। तमे मने को भाई आ अयोध्या राम मंदिर ने चूंटनी ने शुकरवा भेगी करो छो, मारे सुन्नी वकफ बोर्ड एमने अभिनंदन आपवा छे, एमनो आभार मानवो छे।
राम मंदिर को लेकर बीजेपी कांग्रेस का स्टैंड पूछ रही थी कि 7 दिसंबर कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कह दिया। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें और वो भी जबकि अंबेडकर जी के के, के, के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की भी एंट्री हुई। आरोप लगे कि कांग्रेस का हाथ गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ना एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत ना भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, अने भारत ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आम मणिशंकर ना घरे मीटिंग मिली। बीजेपी की ओर से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ। हाफिज सईद की रिहाई से पाकिस्तान की एंट्री हुई। अफजल गुरु का भी कांग्रेस कनेक्शन निकाला गया। राहुल के बहाने औरंगजेब का जिक्र आया। कांग्रेस के नीच शब्द को मोदी ने जाति से जोड़ा। आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी चुनाव में असली मुद्दों पर बात ही नहीं की। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं गुजरात के, सब समझते हैं कि पहली बार अपने भाषण में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसान की बात नहीं कर रहे। मूड बिल्कुल यहां पर बदला हुआ। प्रचार में राहुल गांधी की ओर से जीएसटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। राहुल ने इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया। 8 नवंबर को पहला झटका मारा और फिर गब्बर सिंह टैक्स ने 50% पैसा गुजरात के व्यापारियों का गायब कर दिया। प्रचार में पटेल आरक्षण पर जहां बीजेपी ने पैर पीछे रखे, वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र जारी होने से पहले तक फ्रंट फुट पर खेलती रही। हाल ये हुआ कि जिन मुद्दों को लेकर गुजरात में चुनावी जंग शुरू हुई थी, वो मुद्दे प्रचार की पीक पर अंडरग्राउंड हो गए। नतीजे जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन नीच और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा के लिए ये चुनाव देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।